अब हम लोग देखेंगे क्रिया के भेद पर चलेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, है ना। तो देखेंगे कि क्रिया के दो आधारों पर किए जाते हैं, यानी क्रिया के भेद का जो डिवाइड करेंगे वो कितने दो आधारों पे करेंगे। एक जो है आपका कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर जो है ना, प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद? दो। एक हो गया आपका सकर्मक क्रिया और दूसरा हो गया अकर्मक क्रिया, है ना। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या है, अब इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या है, है ना। तो देखेंगे कि सकर्मक क्रिया जो है वह यानी जो है वह सकर्मक यानी कर्म के अनुसार जिन क्रिया में कर्म की अपेक्षा होती है अथवा कर्म पाया जाता है उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। वे सकर्मक क्रिया कराती जैसे खाना पीना बैठना बनाना, है ना, काटना आदि, ये सब जो है वो सकर्मक क्रिया में है। और उसका हम लोग नीचे रूपांतर करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कट से काटना बनाते हैं तो रिया फल काट रही है। रिया क्या कर रही है? फल काट रही है। तो उसमें जो है कर्ता कौन हो गया? रिया। और फल हो गया कर्म और काटना हो गया क्रिया। तो यानी इसमें कर्म है, तो इसमें रिया फल काट रही है, इसमें कर्म कौन हो गया? फल, है ना। और कर्ता कौन हो गया? तो रिया। और काट रही जो है वह क्रिया हो गया। उसी प्रकार से दूसरा, जैसे हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कि तुषार नाम है लड़का का, तुषार संतरे का रस पी रहा है ना, तो तुषार हो गया कर्ता और कर्म क्या हो गया? संतरे का रस अब पी रहा है वह क्रिया हो गया। यानी इसके इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कर्म लगा हुआ है, यानी जिन क्रिया में कर्म जो है हो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। और अकर्मक क्रिया में अकर्मक क्रिया में देखेंगे अब कि अकर्मक क्रिया क्या है। तो अकर्मक क्रिया जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रहती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी अकर्मक क्रिया में जो है वह कर्म नहीं रहती है ना, उसे अकर्मक क्रिया हम लोग कहते हैं, है ना। तो सकर्मक और अकर्मक में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ, किसके साथ? कर्म के साथ। और अकर्मक क्रिया में जो है वह कर्म उसमें नहीं रहती है। क्लियर? यानी कर्म रहित क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। शॉर्ट में याद करेंगे यदि इसको तो ऐसे याद करेंगे कि सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ और अकर्मक में जो है कर्म रहित क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो क्लियर हो गया पहला। अब दूसरा हम लोग देखेंगे संरचना, है ना, कि संरचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद होते हैं। कितने भेद? चार। पहला आपका हो गया संयुक्त क्रिया, दूसरा हो गया नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रणार्थक क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया, है ना। तो ये संरचना के आधार पे चार और प्रयोग के आधार पे दो। अब देखेंगे कि इसमें संरचना के आधार पे संयुक्त क्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, है ना। तो संयुक्त क्रिया जो होते हैं वो क्या है ना, तो संयुक्त क्रिया में जो है हम लोग देखेंगे कि संयुक्त क्रिया यानी मिले जुले, यानी अर्थात कहने का अर्थ हो गया कि जब दो, कितना, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर, कितने क्रिया? दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है, है ना। जैसे तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तुम प्रतिदिन क्या करो? पढ़ने आया करो। तो इसमें जो है संयुक्त क्रिया क्या हो गया?
आया करो। या दूसरा, जैसे वह अपना काम कर चुका है, इसमें जो है सही क्रिया में आएंगे कौन, कर चुका। क्लियर। अब है दूसरा है नाम धातु क्रिया। दूसरा नाम धातु क्रिया में देखेंगे क्रिया को छोड़कर, यानी क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातुएं बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, है ना। देखिए इसमें यानी कह रहा है कि अन्य शब्दों को छोड़कर, है ना, प्रत्यय जोड़ने से, प्रत्यय जोड़ने से जो क्रियाएं बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बात, तब बात से नाम धातु क्रिया क्या बनेगा, बता या बताना, है ना। हाथ से हथियाना या हथिया। अगर मान लीजिए कि अगर दूसरे से बना रहे हैं, सूखा सुखाना, है ना, अपना से अपनाना, तो ये सब नाम धातु क्रिया जो है उसमें जो है प्रत्यय लगकर बन रहे हैं। क्लियर। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक, है ना, जिस क्रिया से यह जान पड़े कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को उस कार्य के लिए क्या करे, प्रेरणा देता है, है ना, या किसी अंग से उस कार्य को करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहता है। लेकिन इसमें कर्ता स्वयं नहीं करता है, दूसरे से करवाता है या प्रेरणा देता है, है ना। जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है, है ना। मालिक किससे काम कर रहा है, अपने नहीं कर रहा है, किसी दूसरे से करवाता है, है ना। वह नौकर से बच्चों को दूध पिलवाता है, यानी वो अपने नहीं पिला रहा, किसी दूसरे नौकर से बच्चे को दूध पिला रहा है ना, यानी प्रेरणार्थक क्रिया, यानी एक दूसरे से काट को कर रहा है। अगला है आपका पूर्वकालिक क्रिया। यानी पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूर्व होने से पूर्व पाया जाए। गौर से देखिए, यानी जिस क्रिया का पूरा, है ना, होना किसी दूसरी क्रिया के पूर्व होने से, है ना, पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना खाकर वह पढ़ने जाएगा, क्या करके जाएगा, यानी खाना खाकर वह पढ़ने जाएगा, यानी पहले एक क्रिया को वह क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है, यानी खाना खा लेगा उसके बाद वो खाएगा। अगला है और नहाकर स्कूल जाएगा, यानी एक कार्य को पहले कर रहा है, पूर्व में कर रहा है, यानी नहा ले रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, वह विद्यालय जा रहा है या कहीं जा रहा है, या बाजार से आकर वह खाना पकाएगी, यानी पहले उसमें क्या कर रहा है, एक क्रिया जो है वह बाजार से आकर, यानी आ गई, उसके बाद क्या कर रही है, वह खाना पकाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने, है ना, यह क्रिया के बारे में देखे कि क्रिया की रचना कितने प्रकारों से होती है, तो दो प्रकार से, एक जो है प्रयोग के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं और संरचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद होते हैं, जिसका हम लोगों ने आज अध्ययन किए। इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों के साथ, थैंक यू।